यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप ट्वेल्थ पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें द स्टडी नॉलेज डॉट कॉम, वहां पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। मेरा नाम अनिल कुमार यादव, सूरज, वाराणसी से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें 5 अंक के प्रश्न आज हम कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, अध्याय नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। एनसीईआरटी के बुक से यदि आप पढ़े होंगे तो आपको चैप्टर 2 पढ़ने को मिला होगा। यदि आप हर्षरूप शर्मा से पढ़े होंगे तो आपको उसमें भी चैप्टर नंबर 2 ही पढ़ने को मिला होगा। तो ये अलग अलग बुक से था, अलग अलग आपने पढ़ा होगा, जिसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। तो ये आपने सिलेबस पूरा किया है या नहीं किया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि इस वीडियो को पूरी तरह देखते हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से आपको 5 मार्क्स टोटल मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि कितने प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति फलन में त्रिकोणमिति से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, टैन इनवर्स से सबसे ज़्यादा पूछते हैं, साइन इनवर्स का रिलेटेड। इसमें और क्या क्या टाइप के होते हैं, जैसे इसकी मुख्य शाखा पूछ लेता है और सरलतम रूप निकालने के लिए पूछता है, और सबसे ज़्यादा तो मुख्य मान पूछता है और सिद्ध करने के लिए पूछता है। तो ये सारे कंप्लीट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कितने टाइप के और कैसे कैसे सवाल होते हैं, और ये सारे सवाल आज हम सॉल्व करके भी दिखाने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, संबंध तथा फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दोनों से मिलाकर 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 अंक प्रतिलोम त्रिकोणमिति के लिए होता है और 5 अंक संबंध तथा फलन के लिए होता है। तो ये वीडियो केवल प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें 5 अंक आप आसानी से पा सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप लगा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ध्यान रहे, ये बोर्ड सभी विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। जैसे अगर बात करेंगे किस बोर्ड के लिए, तो इसमें यूपी, एमपी, बिहार, सीजी, आरजे, यूके, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए ये बनाया जा रहा है। आप इसे पूरी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति के ये 5 अंक के सवाल यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। 5 अंक के ये मतलब नहीं है कि 5 अंकों वाला, ये नहीं, 1 अंकों वाला भी, 2 अंकों वाला भी, 5 अंकों वाला, इन सभी को इंक्लूड करेंगे। 8 अंक का इसमें नहीं पूछा जाता है, त्रिकोणमिति फलन से 8 अंक का नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं इसमें इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। 1 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के, ये जो भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं उन सभी को मैं इंक्लूड इसमें करूंगा। तो चलिए देर न करते हैं, अब इसको भी क्वेश्चन के माध्यम से हम बताना शुरू करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर, हमें इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध करके तो हम दिखाएंगे, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, 2019 में अभी पूछे गए थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको करके दिखाना है। ठीक है, कहीं भी उलझना नहीं है। सबसे पहले जो दिया है हम इसको मानेंगे, क्या चीज माना, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, इसको हम थीटा के बराबर मान लेंगे, ये जो वैल्यू है इसको मैंने थीटा के बराबर मान लिया। अब इस साइन को हम यहां पर पक्षांतर करेंगे, तो ये माइनस एक्स बराबर इनवर्स हमारे यहां पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इस माइनस को यहां पे भेज देना है, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन किसका, साइन सॉरी इसमें चेंज कर लेते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये चीज आपको पता होगा, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति चैप्टर में, कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे वही यूज करेंगे, माइनस साइन थीटा को क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर साइन माइनस थीटा। ठीक है, अब इस साइन को यहां भेजेंगे तो ये पक्षांतर हो जाएगा, साइन इनवर्स के रूप में हो जाएगा एक्स बराबर माइनस थीटा। तो यहां पर आपको ये चीजें देखने को मिल गया कि माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है। क्लियर है? अब इसकी बात समझिए, अब यहां से हम केवल थीटा का मान निकालेंगे, तो ये माइनस यहां पे चला जाएगा, माइनस
साइन इनवर्स एक्स। कुछ इस तरह से ये हमें देखने को मिल रहा है कि थीटा का वैल्यू हमें ये मिल गया और थीटा को मैंने मान रखा था यहाँ पे, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड मिल गया और ये हमारा राइट हैंड साइड मिल गया। दोनों को अगर हम बराबर करते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये हमारा प्रश्न था साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर निकला क्या है, निकला हमारा है साइन इनवर्स एक्स। कुछ इस तरह से ये हम इसको निकाल सकते हैं और ये माइनस ग्रुप में। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखिए जो हमें निकालना था वो पूरी तरह से आ चुका है और उसी तरह से इसे हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में आया लगातार आया हुआ है, तो ये 20 में भी आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले इस टाइप का अगर कोई सवाल आ जाए जिसमें टेन 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 तीन बार आए, चाहे चार बार आए, चाहे दो बार आए, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो टेन के रूप में रहे और कोई भी इसका एंगल हो तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला यूज करना है किसका, टेन इनवर्स किसका, टेन एक्स प्लस वाई का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा लिख देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन वन माइनस प्लस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। अगर प्लस यूज करेंगे तो ऊपर का यूज करना है, अगर माइनस यूज करेंगे तो माइनस का यूज करना है। तो ये हो गया फॉर्मूला, दोनों को कंबाइंड मैंने कर लिया। अब आपको देखना है कि मुझे लगाना कैसे है। अगर हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसके बीच में प्लस आ रहा है तो हम प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स का वैल्यू ये हो गया, वाई का वैल्यू ये हो गया, तो तीन बटे के चार प्लस तीन बटे के पांच अपॉन क्या करेंगे, वन माइनस तीन बटे के चार इंटू तीन बटे के पांच, ये हो गया इसमें, ठीक है। इसके बाद टेन इनवर्स ब्रैकेट में यहां पे एलसीएम ले लीजिए, 20 हो गया तो यहां पे हो जाएगा 15 अ प्लस 20, ठीक है 12, नीचे ये 20 हो जाएगा माइनस तीन तिया के 9 बटे के 20, तो ये 20 से 20 आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद 15 और 12 को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं टेन इनवर्स, जोड़ लीजिए ये हो गया 27 अपॉन ये 20 में से 9 घटा लीजिए ये हो गया 11। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा इतना मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज है, इसमें और इंक्लूड था माइनस के साथ, अब यहाँ पे इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, माइनस टेन इनवर्स 8 बटे के 19। तो ये जो चीजें मैं यहां से इंक्लूड कर रहा हूं, ये चीजें आप इसमें इंक्लूड करते जाइएगा, माइनस ये वैल्यू, माइनस ये वैल्यू, ठीक है, ये इंक्लूड करते जाएंगे तो आपका कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा और पूरे अंक मिलेंगे। अब इन दोनों के बीच में हमें माइनस का फॉर्मूला है, तो माइनस का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा देना है, टेन इनवर्स 27 बटे 11 माइनस 8 बटे के 19, ठीक है। ए यहाँ पे एक्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 27 बटे के 11 इंटू 8 बटे के 19 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 425 बटे के 425, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 मिल जाएगा, तो टेन इनवर्स 1 बराबर इसे लिख सकते हैं पाई बाई 4, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए ये जो सवाल है, इस सवाल को भी ध्यान से समझना है, क्योंकि एक इसमें साइन है और एक टैन है और इन दोनों से मिलाकर हमें सिद्ध करना है टैन के रूप में, तो ऐसा भी सवाल पूछता है और आपको बचा देता है, ठीक है। साइन का टेन के साथ दे देगा, टेन पूछ लेगा, या तो कॉस का टेन के साथ दे देगा, आपको टेन पूछ लेगा, साइन पूछ लेगा, कुछ अलग अलग से पूछ सकता है। तो अगर ऐसे भी सवाल आते हैं तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, या तो दोनों को साइन में चेंज कर लेना है या तो दोनों को टेन में चेंज कर लेना है, क्योंकि दोनों साइन का होता है तो भी फॉर्मूला पता है, या दोनों टेन का है तो भी फॉर्मूला पता है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा, वो बेस्ट आइडिया क्या है कि जो साइन है उसको आप टेन के रूप में चेंज कर लीजिए, तो ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स वाई, और इसका फॉर्मूला मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में दे रखा था। तो उम्मीद करते हैं कि इसको टेन में चेंज कर लेंगे। अब सवाल उठती है कि टेन में चेंज कैसे करेंगे, तो चलिए इसको पहले बताते हैं कि इस वैल्यू को टेन इनवर्स के वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे, माना क्या वैल्यू है,
साइन इनवर्स 3/5 ये वैल्यू है, इसको मैं मान लेता हूं थीटा के बराबर, कि ये वैल्यू थीटा के बराबर है और इसको हमें साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के रूप में चेंज करना है। ठीक है, इस साइन को भेजेंगे यहां पे तो 3/5 बराबर के साइन थीटा हो गया। ठीक है, या इसके बाद इसको हम कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए दो मेथड है ज्ञात करने का, साइन से कॉस के रूप में ज्ञात करने का दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड आप ये यूज कर सकते हैं जो लाल बेटे कक्का होता है, आपको पता है क्लास 9th से ये चला आ रहा है लाल बेटे कक्का। अगर हम यहाँ पे एंगल बनाते हैं तो ये हो जाएगा लंब कर्ण आधार, ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5 और यहाँ पे निकालेंगे तो 4 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आधार बटे कर्ण मतलब 4/5 को कॉस कहते हैं, तो ये हो जाएगा 4/5। तो पहला मेथड तो ये हो गया, और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपका बहुत ही सिंपल है, क्या है वो बता देते हैं। देखिए दूसरा मेथड ज्ञात करना है तो आप लिख सकते हैं फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर होता है क्या चीज, इसके रूप में चेंज करना है तो इसको लिखेंगे रूट साइन स्क्वायर थीटा, इसको ये लिख सकते हैं या रूट इसको लिखेंगे 1 - cos² θ लिख सकते हैं। अब यहां पे वैल्यू भी पुट करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिए, इस वैल्यू से भी आप ज्ञात कर सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा से कॉस थीटा ज्ञात कर लिया, अब टेन थीटा का हमें ज्ञात करना है मान, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या है 3/5 और कॉस थीटा का मान ये मैंने ज्ञात किया 4/5, तो इससे कैंसिल करेंगे तो यहां से हमें टेन थीटा का मान निकलेगा 3/4। तो यहां से टेन थीटा का मान इससे भी ज्ञात कर लीजिए या तो इसी में बोल दीजिए, क्या चीज, लंब बटे के आधार, ठीक है, लंब बटे के आधार बोल दीजिए, ये भी टेन थीटा का मान 3/4 निकल जाएगा, डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए या तो इस फॉर्मूले से कर लीजिए, दोनों सिंपल है, मिला जुला के आपको टेन थीटा का मान पहले ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो इस थीटा को छोड़ दीजिए, टेन को भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। तो ये देखिए थीटा का मान है, किसका मान, थीटा का मान टेन इनवर्स 3/4 है, और यहां पे मैंने माना था सवाल में साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, तो ये जो थीटा का मान ये वैल्यू है, यही थीटा का मान ये पुट करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा था तो थीटा के स्थान पे ये रखना है टेन इनवर्स 3/4, तो मतलब इसके स्थान पे मैं ये पुट कर सकता हूं, तो ये देखिए आपस में चेंज हो गया। तो चलिए ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर, पुट करके इसके साथ लेकर हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, टेन इनवर्स 3/4 और करेंगे प्लस टेन इनवर्स 3/5, यहां पे फॉर्मूला लगाइए, टेन इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 बटे 1 - 3/4 × 3/5, इसके आगे तो आप लोग बहुत माहिर कर लेंगे सॉल्व, तो ये वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स 27/11, ये आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि कैसे साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करते हैं, जब ये आपको पता चल जाएगा तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, और ये 5 नंबर का सवाल पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसमें सवाल के में क्या है, इसमें सरल करने के लिए पूछता है और ये दोनों साइन के रूप में है और सरल करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हल करना है ना कि ये इसको सिद्ध करना है, सिद्ध हमें नहीं करना है, जब सरलतम कीजिए या तो समीकरण ज्ञात कीजिए अगर ऐसे पूछेगा, तो इसका मतलब है कि इस टोटल वैल्यू में से हमें एक्स का मान पता करना है कि क्या होगा, ये चीज हमें पूछता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर सरल कीजिए लिखा है तो हम इसको मिलाकर हमें ये सिद्ध करना है, अगर ये सोचते हैं तो ये आप गलत जा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल सन 2016, 17, 18 में पूछा गया है, 3 साल लगातार पूछा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूं और आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए दोनों साइन के रूप में है और ये पाई बाय 2 है, इन सभी को मिलाकर हमें सिद्ध करना मान निकालना है एक्स का, कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर कि पाई बाई 2, ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स 12/x बराबर साइन इनवर्स 1 - साइन इनवर्स
पांच बटे के एक्स। आप समझ गए होंगे क्या मैंने किया। अब ये देखिए पाई बाई टू किसका मान होता है, साइन इनवर्स वन का मान पाई बाई टू होता है, तो ये मैंने पाई बाई टू लिख लिया यहाँ पे, इसको पक्षांतर कर दिया, ये हो गया। तो ये दोनों वैल्यू कुछ इस तरह से हमें मिल गया। फिर आगे साइन इनवर्स बारह बटे के एक्स बराबर, अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, यहाँ पे ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर करना चाहे तो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला यूज कर देता हूँ, साइन इनवर्स ब्रैकेट में वन इंटू ब्रैकेट में वन माइनस पांच बटे के एक्स का होल स्क्वायर माइनस पांच बटे के एक्स रूट वन माइनस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया फॉर्मूला यूज हो गया, ठीक। आगे साइन इनवर्स बारह बटे के एक्स बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में करेंगे रूट, इसको सॉल्व करिए पच्चीस बटे के एक्स स्क्वायर, तो यहां से गुणा कर लेंगे वन को तो छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस और बटे के एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस ये हो जाएगा हमारा जीरो वैल्यू। या इसके आगे सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बारह बटे के एक्स बराबर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस बटे के एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ताकि ये रूट हट जाए, तो रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो 12 का 144 बटे ये एक्स स्क्वायर बराबर रूट को हटा लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 144 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब इसको क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर फिर ये देखिए 144 है और ये बचा है तो सबको एक साथ ले लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको लेकर आते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए बराबर 169 या एक्स बराबर प्लस माइनस 13। तो उम्मीद करते हैं ये भी कैसे मान ज्ञात करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। कहीं भी मिस्टेक अगर आपको लग रही है या नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपका कमेंट जरूर देखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपको समझ में आए, अगर ये पांच नंबर के सारे सवाल आपने समझ लिया है तो उम्मीद करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति से पांच नंबर आपको कोई नहीं काट सकता। और इस टाइप से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस टाइप से सारे वीडियोस आपके लिए बनाए जाते हैं बिल्कुल फ्री में। जय हिंद, जय भारत।